अंबिकापुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल केदारपुर के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले साहित्य सिंह ने एक दिन का महापौर बनने की इच्छा जाहिर की। इसको देखते हुए नगर निगम अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसे एक दिन का महापौर बनने के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी। इस दौरान 8वीं में पढ़ने वाले छात्र साहित्य सिंह ने महापौर के सवालों का बेफिक्री से जवाब दिया और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया, जिससे महापौर सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने भविष्य में बेहतर पढ़ाई करने के लिए उसे शुभकामनाएँ भी दी। साहित्य सिंह जी, फिर आज आप महापौर एक दिन के लिए बने थे, किस तरह कैसा लगा और क्या क्या काम होते हैं महापौर? मुझे महापौर बना, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन से स्कूल पढ़ते हैं और क्या करते हैं क्लास में? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और केदारपुर स्कूल में पढ़ता हूँ। तो कैसा लगा अपन के? बहुत खुशी हुई सर। क्या क्या काम होते हैं महापौर, क्या लगता है? महापौर निगम की जितने काम होती है महापौर के देख रेख और परमिशन में होता है। बनोगे पढ़ाई करके? सर पढ़ाई करके मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अंबिकापुर के सबसे पुराने स्कूल केदारपुर स्कूल, मुझे लगता है कि आधा शहर वहीं से पढ़ के निकला है और वहाँ के एक बच्चे की इच्छा थी कि मैं एक दिन के लिए महापौर की कुर्सी पर बैठूं, साहित्य सिंह वो आया और जो क्वेश्चन मैं पूछा उन्होंने इतना फर्राटे से जवाब दिया कि बहुत खुशी होती है कि टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इतने अच्छे से उनको इतनी ऊंचाई तक ले आए हैं। मैं बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और मेरे द्वारा उन्हें यही कहा गया कि पहले पढ़ाई फिर बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। कि इतना स्मार्टनेस से उसने जवाब दिया कि वही मैंने बोला कि इसके लिए टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो बच्चों को किस रास्ते में उनको गढ़ते हैं।